तो आज से बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के मौके पर वहां का नजारा किस तरीके का था, इससे जुड़ी हुई पांच तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। केदारपुरी की पांच अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, बाबा केदार के प्रति उनके भक्तों की आस्था बयां करती हुई ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में ये साफ तौर से पता चलता है कि बाबा के प्रति लोगों में कितनी आस्था है। गौरीकुंड से लोग 17 किलोमीटर पैदल सफर तय करके केदारनाथ तक पहुँचते हैं, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि आस्था के आगे हर राह आसान हो जाती है, हर सफर मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है। ये पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारपुरी किस तरीके से गुंजायमान है बाबा केदार के नारों से, वो भी आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में आस्था का सैलाब किस तरीके से उमड़ा हुआ है वो बताने के लिए काफी है। केदारधाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीपी गंगा की टीम भी इस अद्भुत पल की साक्षी बनी। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता विनोद कुमार की। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद में ये नजारा आपको हम दिखाएं। ये नजारा केदारधाम का है, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं और लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जहां जहां भी नजर जाएगी वहां पर ही बाबा के भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो बाबा की भक्ति में तल्लीन होकर मग्न होकर बाबा को याद कर रहे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बिल्कुल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो आज कपाट खुलने के बाद में लंबी लाइनों में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं दर्शनों का। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? परभणी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कपाट खुल चुके हैं, कैसा लग रहा है दरबार में हुआ? बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है ये हमारे लिए, हमारे दोस्त जो आनंद जी बापे साहब। आप क्या बहुत ही आनंद, बहुत बहुत आनंद, मुक्ति जैसे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मुक्ति की जैसा। दो साल से जो बाबा के श्रद्धालु बाबा के भक्त थे जो इंतजार कर रहे थे कि दर्शन आखिरकार बाबा के कब हो। मैम आप बताइए, आप दरबार में दर्शन करने जा रहे हैं थोड़ी देर में? बस अभी जाएंगे, बाबा की कृपा है, दूसरी बार बाबा ने बुलाया है और बाबा ने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कराए हैं, मुझे सारे दर्शन करा चुके हैं बाबा, आज भी बाबा ने ही बुलाया है। जयकारे तो लगाइए आप। जय काल की, राय बाबा की, हर हर गंगे। आप बताइए कहाँ से आए आप? हम जयपुर राजस्थान से आए हैं, बहुत उत्साहित हैं और कल रात से हम बहुत एक्साइटेड हैं और बाबा केदारनाथ में हमारा पहला दर्शन है और अब कपाट खुल चुके हैं, मंदिर आरती हो चुकी है और अब बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि बाबा केदारनाथ हमें दर्शन दें और विश्व का सबका कल्याण हो और सभी ये आपदाएं सारी हट जाए, ये बाबा केदारनाथ से हमारी। आज 6:25 पर बाबा के दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है, लिहाजा बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जुटना भी यहाँ शुरू हो गया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि कई हेली कंपनियां इस समय केदारनाथ धाम में हेली सर्विस मुहैया करवा रही हैं। फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से हेली सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं इस वक्त और गुप्तकाशी से केदारधाम आने जाने का किराया 7,750 रुपए है, जबकि फाटा से केदारनाथ आने जाने का किराया 4,720 है। ये देखिए पूरी जानकारी आपको हम इस तरीके से दे रहे हैं। और अगर फाटा से केदारनाथ आपको जाना है तो 4,720 रुपए देने होंगे। सिरसी से केदारनाथ धाम तक अगर आपको आना जाना है तो किराया वहां का है 4,680 रुपए। कई हेली या कंपनियां हैं जो इस वक्त सेवाएं दे रही हैं। और देखिए गंगोत्री धाम 3 मई को खुल जाएंगे, खुल गए हैं और साथ ही यमुनोत्री भी 3 मई को खोल दिए गए हैं। यहाँ के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। अब बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं 8 मई को। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी, किस तरीके से भव्य वहाँ का पूरा माहौल था, तस्वीरें थी। और केदारनाथ धाम के कपाट आज 6 मई को खुल गए हैं सुबह शुभ मुहूर्त के हिसाब से 6:25 और बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे 8 मई को।